जिला बिलासपुर में कांग्रेस सेवा दल की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य संगठक लालजी देसाई ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अगर उनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। उन्होंने नारा भी दिया कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, और लड़ना है चोरों से तो आवाज लगाएंगे जोरों से। मुख्य संगठक लालजी देसाई ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल 2019 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि देश की संवैधानिक ताकत को कमजोर करने वालों से देश को बचाना है और कांग्रेस सेवा दल में नई जान फूंकी जा रही है और पूरी तरह से ये संगठन मजबूत है और अपने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को सत्ता हासिल करने में एक अहम भूमिका अदा करेगा। और उन्होंने कहा कि लोग यह कह रहे थे कि कांग्रेस सेवा दल पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन उन्होंने 19 राज्यों का दौरा किया है और कांग्रेस सेवा दल संगठन आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। किसी भी सेनानायक और सेनापति को जब चुनौती नहीं होती तो काम करने का मजा भी नहीं होता है, और जब चुनौती होती है तो काम जो है वो दुगना जोर से करना पड़ता है। और हम लोग अभी देखते हैं कि ये सेवा दल जो है, अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग शब्दों में बोला है कि मरा हुआ संगठन है या काफी सुस्त संगठन है, काफी कमजोर है। पर मैं देश भर में अभी दौरा किया, 20 राज्यों में गया हूँ, मुझे जो वहां से जो एक ताकत मिली है, जो एक एनर्जी मिली है, सेवा दल का हर साथी हर जिले और हर ब्लॉक में आज भी उतना विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ और ताकतवर है। उनको सिर्फ आह्वान की जरूरत थी कि चलो साथियों अब युद्ध लड़ना है और युद्ध के लिए तैयार होना है। मुझे लगता है जैसे मैंने आह्वान किया है, हर प्रदेश से, हर जिलों से और तालुका से, पूर्व तहसीलों से लोग निकल निकल के आ रहे हैं और सेवा दल का जो ब्यूगल है कि अब देश को दोबारा एक संविधान को कमजोर करने वाली ताकत, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली ताकत है, उससे देश को बचाना है, तो वही नारा लेकर लड़े हैं कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से, और जब लड़ना है चोरों से तो अब आवाज लगाएंगे जोरों से। तो हर जगह पे जो है वो हमारे शेर शेरनी की तरह सेवा दल के साथी जो है फिर से रास्ते पर, फिर से जो है वो जनता के बीच में, और आप हर महीने के अंतिम रविवार को भी देखने को मिलेगा। और अब जहां कहीं अन्याय होगा, जहां कहीं लगता है कि शोषण हो रहा है, आपको सेवा दल का साथी जरूर आपको वहां पर नजर आएगा। सिर्फ राष्ट्रवाद की बातें कर, सिर्फ अति राष्ट्रवाद की बातें कर देश को धोखे में रखने से कुछ नहीं होता है। अब सेवा दल अलग प्रकार की चुनौती कह रहा है, जिस सेवा दल को कमजोर मान रहे थे, अब सेवा दल ये कह रहा है कि भाई आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हो, वैसे तो आप आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के मुखबिर बनकर 11 बार माफीनामा लिख चुके हो, और वही लोग आप हैं जो अब दोबारा अभी राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हो और कहते हो कि हम राष्ट्रवादी हैं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो शाखाओं में तिरंगा लहराओ, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो शाखाओं में वंदे मातरम जनगणमन गाओ, आप झंडा ऊंचा रहे हमारा गाओ, आप और गाने क्यों गा रहे हैं, इस संविधान को क्यों कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। तब सेवा दल उसी चुनौती के साथ देश भर में जो एक रंगा झंडा जो होता है, चाहे भगवा हो, हरा हो, पता नहीं नीला हो, अलग अलग कलर का लाल हो, पीला हो, आजकल एक झंडे का बहुत, और कहीं पर दो रंगा, खास करके आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी का झंडा दो रंगा है, उसके सामने हम तिरंगा लेकर निकलेंगे और कहेंगे कि भैया रुक जाओ, आपके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है।